जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में जो है एक डॉक्टर के साथ रेप करने की घटना को अंजाम दिया गया, उससे काफ़ी जो है पूरे देश के अंदर डॉक्टर नाराज़ हैं और ज्ञापन दे रहे हैं संबंधित जो है जिला अधिकारी को। मेरे साथ रामपुर में कई सारे डॉक्टर हैं जो नाराज़ हैं इस बात से कि किस तरीके से दरिंदगी की गई। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की आज ज्ञापन? एक तो ये है कि डॉक्टर्स अपने जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम मरीजों की और पब्लिक की खिदमत में लगाते हैं और वो बच्ची ड्यूटी पर थी, तो इस तरह का जो ये मानवता के खिलाफ जो अधिकार है, ये सब पूरी मानवता के खिलाफ ये अपराध है और इसको हम भर्त्सना करते हैं और जल्दी से जल्दी लोगों के अरेस्ट का और उसको बल्कि फांसी का हम लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं और हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी बच्चियों को हमारे ड्यूटी डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर से उनको सुरक्षा दी जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। हम इसका स्टेप सरकार किस तरीके से स्टेप उठाए इसमें? नहीं, सरकार इस तरह से स्टेप उठाए, सबसे पहले तो अपराधियों को पकड़े, जो अपराधी हैं उनको पकड़े, छानबीन करे कि इसके पीछे किसका षड्यंत्र था। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र रहेगा जो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जो ये जघन्य अपराध हुआ है और सबसे सख्त और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए इसको लेकर जो है काफी आक्रोश है डॉक्टर्स में, यहाँ लोग काफी डॉक्टर्स हैं उनसे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपने आक्रोश है, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए उनको, जो भी उसके मुजरिम है मुस्लिम है, बहुत सख्त सजा देनी चाहिए। तो आप आगे की ऐसी हिम्मत ना हो। मेरे साथ लेडीज डॉक्टर, मैं उनसे ही पूछता हूँ क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जिस तरीके से दरिंदगी हुई है बताइए मैम। बस हम तो ये चाहेंगे जस्टिस मिले, जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, कोई रियायत ना हो और भविष्य में एक हमारे समाज में ये कायम हो कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा। एकता दिख रही है, मुझे लग रहा है देश भर में दिल से, आई एम श्योर पूरा भारत एक साथ है इस वाले प्रकरण में पूरे में, परंतु जस्टिस मिले और त्वरित मिले, ऐसा ना हो कि वो सालों तक लटक जाए और उसके बाद पेंडिंग ना हो पूरी तरीके से जस्टिस के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि सड़कों पे डॉक्टर उतरे हैं, क्या कहेंगे जी मैम, सड़कों पे उतरे हैं आप लोग? सड़कों पे उतरे हैं इसलिए क्योंकि इसके लिए सबको साथ में आना ही चाहिए और हम नहीं आएंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप बताएं सर, क्या वाकई जो है इस तरीके से घटनाओं में तुरंत एक्शन सरकार है और देश की किसी महिला के साथ किसी वर्ग की हो ऐसी घटनाएं भविष्य नहीं होनी चाहिए, इसका एकमात्र है कि सरकार सबसे सख्त सजा दे। बीबी शर्मा जी आप बताइए क्या कहेंगे, आज आपने बात रखी है जिलाधिकारी के समक्ष। जिलाधिकारी के समक्ष हमने ज्ञापन दिया है और जो हमारी बहन बेटियां हैं और जो हमारा प्रतिष्ठित वर्ग है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित वर्ग अगर कोई है तो वो डॉक्टर्स का है, अध्यापक और डॉक्टर्स। अगर उनकी बेटियों के साथ, हमारी बेटी के साथ नहीं, ये पूरी समाज की बेटी है, ये पूरे परिवार की बेटी है, ये भारत वर्ष की बेटी है, और अगर इस बेटी के साथ इस तरीके की दरिंदगी होगी तो उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा और अगर सरकारें माफ नहीं करेंगी तो सरकारों को भी माफ नहीं किया जा रहा। आप बताइए, आप युवा हैं, आपकी क्या सोच है? एक डॉक्टर को बनने में पहले नीट का एग्जाम क्लियर करना है, जो कि इस पूरे हिंदुस्तान के क्रीम जो माइंड है जो कि नीट क्लियरफाई कर पाते हैं, उसके बाद 6.5 साल की पढ़ाई डिग्री उसको क्वालिफाई करके फिर 3 साल की पीजी उसके लिए एंट्रेंस अलग देना है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस हुआ है एक उसका। और डॉक्टर जैसी चीज जो हम अपना ना टाइम देखते हैं ना अपने शहर देखते हैं, कुछ नहीं देखते मरीजों के लिए, अपना दिन रात एक कर देते हैं। कोविड जैसी हालात में हम डॉक्टरों ने क्या क्या नहीं किया है और इस देश में वही सुरक्षित नहीं है तो कोई फायदा नहीं। गुस्सा है आप लोगों में, कुल मिला के आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर जो है डॉक्टर्स उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पूरी तरीके से। पूरे रामपुर के जिले भर के जो डॉक्टर हैं वो भी जो है मांग कर रहे हैं, हालांकि देखना होगा किस तरीके से जस्टिस मिलेगा उस लड़की को जिसके साथ घोर अनर्थ हुआ है, दुष्कर्म की घटना को उसके साथ अंजाम दिया गया है। वीडियो के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।